होती है, चुनाव लड़ने लड़ाने के लिए होती है। हमने भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है, उन्हें मैंने लिस्ट सौंप दी है कि जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता और जिस भी उम्मीद में उसके जगह पर उनको हमारे कार्यकर्ताओं को लाया जाए, क्योंकि बड़े दल है, बड़े भाई है, तो मेरा अधिकार मेरा कर्तव्य बनता है पहले उनको हम दे दें, फिर वो उनको लड़ाने का सूची जारी करें और हमारे कार्यकर्ताओं निश्चित रूप से बीजेपी के लोगों को मैं आज के इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का मुख्य विषय पत्रकारिता था, पत्रकार वार्ता का थी। दो तीन दिन से एक ऐसा राजनीतिक यहाँ उथल पुथल है कि राजनीतिक चर्चाओं में है कि जब राजू पाल की हत्या एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसमें विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, लेकिन राजू पाल के हत्या में शामिल राजू पाल की हत्या हुई और उसमें संदीप निषाद के साथ और भी सिपाही की हत्या हुई, उस समय उन जो संदीप निषाद था और एक सिपाही और थे उनके लिए ये जो विपक्षी बैठे नेता हैं, राजू पाल भी पिछड़ा था, संदीप निषाद भी पिछड़ा था, उमेश पाल जो है जो उनका गवाह था वो जो मारा गया, और संदीप निषाद जो था वो सिपाही को भी मारा गया, ये जो उमेश पाल और पिछड़े थे और संदीप निषाद भी पिछड़ा था, ऐसी परिस्थितियों में ये जो विपक्षी थे उनके मुंह से एक बार भी उनकी संवेदना नहीं की। मैं तो आजमगढ़ गया था, हमारे साथी और भी बहुत ढेर सारे पत्रकार गए थे, यहाँ तक कि उस क्षेत्र का विधायक जहाँ जो है संदीप निषाद के का क्षेत्र है अकरौलिया में, वहाँ यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो इतना तक नहीं समझे कि वो उस क्षेत्र के लोगों ने वहाँ के विधायक हैं उनके दरवाजे तक भी नहीं गए, हम लोगों को चल के गए। आज से इनके विपक्षी के बयानों से लगता है कि आज ये पिछड़ा विरोधी हैं या जो हत्यारों को छुपाने के लिए बयानबाजी करते हैं भाई थोड़ा है। और लोगों को इस तरीके के जो भी आज के दिन में बयान चल रही है जो सपा और बसपा के जो माननीय अखिलेश जी हैं माननीय मायावती जी हैं इनके समय भी इतने उन्होंने किसी ने समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, फिर किसी ने उन्हें और भी उनके घर के लोगों को शामिल कराया, उन लोगों ने जब भी ये जो परिवार फल फूल रहा था इन्हीं की सरकारों में था। अगर हमारी सरकार इन्हें सजा दे रही है, ऐसे जो हत्यारे हैं जो दहशत फैलाए थे प्रदेश भर में, अगर हमारी सरकार उन्हें सजा दे रही है और इनके समय में उन्हें संरक्षण मिल रहा था, ये हम जनता के सामने ले जाना चाहते थे इस बात को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सरकार हमारी जनता के साथ है, सरकार हत्यारों के खिलाफ है, जिस तरीके से ये गुंडा माफिया मुक्त करने का हमारा अभियान है, जीरो टॉलरेंस है, ये हमारी सरकार जो काम कर रही है उसमें मैं मोदी जी को योगी जी को धन्यवाद दूंगा और जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि दोबारा हमें अवसर दिया कि उत्तर प्रदेश से जितने भी इस तरीके के दहशतगर्द कर्मियों को जो हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के दिन में यही सरकारें थी उन्हें संरक्षण देती थी, आज हमारी सरकार सजा दिलाने में कामयाब हो गई, ये अधिकारी भी कामयाबी पा रहे हैं ऐसी सजा दिलाने। कितने लंबे समय थे कोई गवाही के लिए तैयार नहीं होता था, कोई फाइल लेने के लिए तैयार नहीं होता था, कैसे लोग थे उनको पैसा पहुंचाते थे, कहाँ छुपते थे, ऐसे में अगर आज हमारी जो पुलिस है हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आज के दिन में इन विपक्षी दलों को जनता के साथ रहना चाहिए न कि हत्यारों के साथ रहना चाहिए। ये हत्यारों को मनोबल बढ़ा रहे हैं इस तरीके का बयानबाजी देकर कि सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं या उनके जो है जो सरकार काम कर रही है उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो ये जो जिससे माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय राजू पाल की हत्या हुई थी उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया, आज के दिन में उमेश पाल की हत्या हुई हमने एक्शन ले लिया, तो आज के दिन में अगर कम समय में आप ही पत्रकार बंधु कहते थे कि अपराधी पकड़ से बाहर हैं, अपराधी नजर नहीं आ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, तो दूसरा वारदात कर देंगे, तब सरकार उस पर चेतेगी, तो अगर पुलिस ने ऐसे अपराधियों को दुर्दांत अपराधियों को कभी अपने अभिरक्षा में लेने के दौरान अगर उसमें जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं तो उसमें हमें विपक्ष को भी हमें भी उस के साथ है। और जो विपक्ष है वो केवल पिछड़ों का वोट लेते हैं और वोट लेने के समय याद आते हैं
बाकी उनके साथ कभी कोई घटना हो जाए, जैसे संदीप निषाद हैं और उमेश पाल हैं, तो उसके लिए कोई जबान नहीं खोलते, न उनके दरवाजे पर जाते हैं, न उनके लिए कोई काम करते हैं। केवल इनको पिछड़े तब नजर आते जब इलेक्शन होता है, पिछड़े तब नजर आते जब वोट की बात आती है। कभी कोई उनके साथ घटनाएं घट जाए तो उसके साथ खड़े नहीं रहते। हमारी सरकार है, हम हैं, इनके साथ खड़े हैं और आज भी इनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और कोशिश मेरी सरकार है कि आगे ऐसी घटनाएं न घटें, उसके लिए हम लोग प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार।